आज बहुजन समाज से जितने भी युवा नेता आते हैं, वे आते ही मायावती जी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं वाकई में मायावती जी की कमियां है या ये एक षड्यंत्र है? पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और मान्यवर काशीराम जी की जन्मदिन की सभी को लख लख बधाई। जो आपने सवाल पूछा बहन जी के बारे में, वो बीएसपी के मिशन को जानते नहीं हैं। जो बीएसपी का मिशन है वो जब तक पूरा उसका अध्ययन नहीं होता तब तक वो भटके रहते हैं। जितने जो युवा नेता हैं उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, ताकि वो पहले दूसरी पार्टियों में जा कर बरगला जाते हैं और वो हट जाते हैं। जो मिशन को पूरी तरीके से जानता है वो कभी भी बीएसपी से या बहन जी से नहीं कटेगा। और मैं बाबा साहब के अनुरायी हूँ। बाबा साहब एक ऐसे थे कि उन्होंने सब धर्म की जाति, लेडीज़ कोई भी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, स्कूल कास्ट हो, वैसी हो, उनके महिलाओं के लिए तो इतना करा कि इतना कोई कर ही नहीं सकता। पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कपड़ा पहनने की नहीं थी, और लेडीज़ को तो ऐसा समझा जाता जैसे दबे कुचले पशुओं से ज़्यादा बेहतर थी महिलाओं की, और पैर की जूती समझा जाता था। एक निकालो तो दूसरी ले लो, दूसरी निकालो तीसरी ले लो, ये हालत थी। और महिला समाज एक ऐसा है कि महिला समाज ही नहीं समझ पा रहा अभी निकल के। जो अपने लोग हैं इतने हैं कि महिला करें तो बहुत कुछ हो सकता है। महिलाओं को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।